मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने एक दिनी प्रवास पर कोंडागांव जिले के बेड़मा गांव पहुंचे और उन्होंने 213 करोड़ रुपए के 527 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इसमें 61 करोड़ 83 लाख की लागत के 445 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। 151 करोड़ से अधिक की लागत के 82 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया। पहुंच विहीन गांवों के लिए डॉक्टर तुमचो द्वार कार्यक्रम का झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया, हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री के द्वारा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असली खुशी तब होगी जब बेरोजगार युवकों के हाथ में रोजगार होगा। मुख्यमंत्री ने बेड़मा गांव में 515 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। खास बात यह रही कि इनमें 46 ऐसे युवा भी हैं जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। दो सौ 13 करोड़ के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य संपन्न हुआ और इसके साथ साथ वन अधिकार पट्टे भी, देवगुड़ी के लिए भी पट्टे दिए। शहरी क्षेत्र में जो निवास कर रहे हैं कोंडागांव में, उनको भी, जो वन भूमि में जो बसे थे उनको भी वन अधिकार पट्टा दिया गया और आज 500 से अधिक बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। देखिए, हम लोग तो लगातार लगे नेशनल हाईवे है और राष्ट्रीय राजमार्ग होने के कारण से भारत सरकार ही निर्माण भी कराती है, निर्माण एजेंसी भी तय करती है, टेंडर भी वही करती है। तो हम लोग प्रयास लगातार लगा हुआ है, दबाव बना के रखे हैं। कई बार गडकरी साहब से भी मुलाकात हुई और हमने कहा कि हमारी बस्तर के ये मुख्य द्वार है, यदि केसकाल घाटी यदि बंद हो जाए तो पूरा बस्तर से संपर्क टूट जाता है। इतनी हमारी कोशिश है, इनको मौका कहाँ मिलेगा। ये तो हम बस्तर के लोगों को नक्सली समझते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में ठूसते थे, गोली मारते थे, इनकाउंटर करते थे। आज तो स्थिति नहीं है, जो जेल में बंद थे उसको छुड़ाए। 2018 चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस से दूल्हे के बारे में सवाल करती थी, लेकिन अब बीजेपी अपना दूल्हा तय नहीं कर पा रही। इस मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि यह सवाल अब बीजेपी के नेताओं से ही करना चाहिए, क्योंकि 15 साल तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह को पार्टी ने बिल्कुल पीछे धकेल दिया है, क्योंकि बीजेपी में अभी तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। इसके साथ ही सीएम ने रमन सिंह पर तंज कसा और कहा कि रमन सिंह कमांडो के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। भाई वो कार्यकर्ता से दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए, लेकिन कमांडो घेरा और बढ़ते गया है। भूतपूर्व होने के बावजूद भी वर्तमान मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा है, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल पीछे धकेल कर रख दिया गया और ना सामने कौन आएगा वो दो दो बार बदल चुके हैं। तो पहले विष्णु देव सहायक बदल दिए, फिर अरुण साहू जी आ गए, धर्मलाल कौशिक जी थे उसको बदल दिए, नारायण चंदेल जी आ गए, तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। देखिए, आज जिस प्रकार से जनता में कांग्रेस को लेकर आक्रोश है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा भूपेश बघेल की सरकार से उठा है, लोगों में आक्रोश है, लोगों में नाराजगी है, उस हताशा में इस प्रकार से बात कर रहे हैं। पार्टी का चेहरा कौन होगा या पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी तय कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी का झंडा और कमल का निशान लेकर मैदान में जुट गया है। बात बलरामपुर की। रामानुजगंज में तेज आंधी और